गीता थोड़ी सी हल्दी का इंतजाम कीजिए। गीता 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 तुम ठीक हो? ये सब क्या हो गया? हमें पता ही नहीं चला कि तुम संगीत के प्रोग्राम से कब बाहर चली गई। गलती हमारी है, हमें ध्यान रखना चाहिए था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है प्रिंस जी, हम बिल्कुल ठीक है। वो तो अच्छा हुआ हम समय पर चले गए, वरना मम्मी जी के साथ बहुत बड़ी घटना घट जाती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारी तो जान ही चली जाती। ऐसे क्या देख रही हो? अरे हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। देखा मामा आपने, ये वही गीता है जिसके साथ आपने हमेशा बुरा किया, लेकिन आज उसी ने अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचाई। देखिए उसकी हालत, किस हद तक जाके उसने आपको सपोर्ट किया। एक बहू होने का फर्ज निभाया। रहने तो बेटा, दोनों परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमने हल्दी लगा दी है, कुछ दवाइयां लिख के दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बेटा दाग जाने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ छोड़िए पापा, रहने दीजिए ना, सब लोग वैसे ही इतने परेशान हैं और आप ये सब बातें करके। हम अब बिल्कुल ठीक है और ये सब बातें हम सुबह करेंगे। सुबह से सब लोग काम कर रहे हैं और थके भी होंगे, भूख भी लगी होगी। मामी संगीत का सारा खाना खराब हो गया, आप लोग कुछ खाने का इंतजाम कर दीजिए, सब लोगों को भूख लगी होगी। हम एक काम करते हैं, तिवारी जी के होटल से खाना ऑर्डर कर देते हैं। हाँ दामाद बाबू, आप सही कर रहे हैं, खाना बाहर से ही मंगवाना ठीक रहेगा। चलिए हम लोग खुद ही ले आते हैं। समधी जी आप थोड़ा बहुरिया का ध्यान रखिएगा, है ना। आओ बेटा।